आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि महापौर दयाशंकर तिवारी जी, हमारी संस्था के अध्यक्ष आदरणीय सुनील मनोहर जी, मंच पर उपस्थित श्री अजय संचेती जी, डॉक्टर आनंद पाठक जी, शैलेश जुगलेकर जी, आनंद औरंगाबादकर जी, मेरे साथी चंद्रशेखर बावनकुळे जी, सभागार में उपस्थित गणमान्य व्यक्तिगण, विशेष रूप से उपस्थित हमारे भाई संजय पांडे जी, सभी हमारे डॉक्टर्स और NCI परिवार के सभी परिवारजन, बहनों और भाइयों, मुझसे पूर्व दोनों वक्ताओं का बहुत ही प्रेरक उद्बोधन हम सभी ने सुना है। और कई बार ये होता है कि इतनी अच्छी बातें सुनने के बाद हमको ऐसा लगता है, मेरे जैसे वक्ता को तो ये लगता है कि अब मैं रुक जाऊं। हम लोग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि चीजें प्रोसेस करनी पड़ती है, तो ये जो सारी प्रेरणादायी चीजें हमने सुनी है उसको हम पहले प्रोसेस कर ले, उसके बाद कुछ हम नया सुने। किंतु कार्यक्रम की भी अपनी एक गरिमा होती है, उसका एक अनुशासन होता है, उसकी एक नीति रीति होती है, और उसी के चलते मैं आप सभी के सामने बोलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं फाउंडेशन मंथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि शैलेश जी ने बताया कि अगस्त माह का एक अपना महत्व है, और इसीलिए हमने फाउंडेशन मंथ मनाने का फैसला किया। मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये सारे जो अलग अलग कार्यक्रम हम किसी न किसी उपलक्ष्य में करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग केवल एक ही चीज के लिए करते हैं कि हमारी जो भावना है, NCI केवल एक इंस्टीट्यूट नहीं है, एक परिवार है, और यह परिवार एक विचार को लेकर चलता है, एक भावना को लेकर चलता है। इसका निर्माण भी जो हुआ किसी व्यक्ति के लिए नहीं हुआ, किसी की निजी आकांक्षा के लिए भी नहीं हुआ, एक बृहत समाज को साथ में लेकर हम समाज को कुछ देने की कोशिश करें, समाज से लेकर ही ऐसा निर्माण तैयार हो जो समाज को वापस कर सके, इस भावना को लेकर NCI की शुरुआत हुई है। और कई बार सारे वक्ता मेरा नाम लेते हैं, किंतु मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें मेरा योगदान जो है, प्रभु श्री राम जी का सेतु, लंका के लिए जाने के लिए जब उन्होंने सेतु तैयार किया तो सेतु को तैयार करते हुए जितना योगदान किसी गिलहरी का था उतना ही योगदान इसमें मेरा है। और मैं ऐसा मानता हूं आप सब लोगों ने मिलकर इस संस्था को महान बनाया। आज विशेष रूप से डॉक्टर आनंद पाठक जी और शैलेश जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार से इस संस्था को बड़ी विपरीत अवस्था में उन्होंने संभाला, और कई बार कुछ प्रसव की वेदनाएं भी होती है, कुछ परिस्थितियां भी होती है जिनके बहुत संयम के साथ उन परिस्थितियों को संभालना पड़ता है, और वो संभालने का काम लगातार इन्होंने किया। और मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे अध्यक्ष जी का,
एडवोकेट सुनील मनोहर जी का, वैसे तो अगर हम प्रोफेशन की दृष्टि से देखें तो हमारे राज्य के एक व्यस्ततम अधिवक्ता के रूप में उनकी ओर देखा जाता है। राज्य के महाअधिवक्ता भी वो रहे हैं, किंतु व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसमें उतना ज्यादा विवेक तैयार होता है, उतनी ज्यादा शालीनता तैयार होती है, हम जिसको ह्यूमिलिटी कहते हैं वो हमको दिखाई पड़ती है। और पीछे रहकर एक सीमेंटिंग फोर्स के रूप में यहां पर काम करना, ये सुनील जी ने करके दिखाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं अध्यक्ष था और जब मुख्यमंत्री बना तो अध्यक्ष पद सुनील जी को दिया, तो मुझे लगता है कि शैलेश जी बहुत खुश होंगे क्योंकि उस समय का अध्यक्ष कुछ करता नहीं था, तो उनको एक ऐसे अध्यक्ष मिले कि जो ध्यान देते हैं, ट्रबल शूटिंग भी करते हैं, नए प्रकार के आचार विचार हम सभी के बीच प्रस्तापित करने की कोशिश भी करते हैं। तो एक ये जो टीम है, चाहे ऊपर बैठी हो चाहे सामने बैठी हो, हम सब लोगों को मिलकर एनसीआई, ये जो एक आइडिया, ये जो एक विचार है, ये जो एक भावना है, इस भावना को सफल बनाना है। जैसे मैंने बार बार बताया कि ये किसी का व्यक्तिगत नहीं है, निजी नहीं है, हमारी भावना एक ही है कि किसी भी कर्करोगी को उसके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, पहुंच नहीं है, इसलिए उपचार नहीं मिलता, इस प्रकार की अवस्था निर्माण न हो, ऐसे हर व्यक्ति के लिए एनसीआई है, ये भावना हमको तैयार करनी है और इसको व्यवहार में हमको लाना है। एनसीआई का निर्माण हमने इसके लिए किया। और मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, देखिए ये तो कभी रुकावटें आती है, कोरोना के कारण शायद हमारा काम जिस तेजी से होना चाहिए था उसमें भी कई रुकावटें आई, हम लोगों ने भी अपने मन में इसको पूर्ण करने की जो संकल्पना की थी उसमें भी कोरोना के कारण कुछ हमारी तेजी भी कम हुई, पर मुझे पूरा विश्वास है हम लोगों ने जो तय किया है कि आने वाले फरवरी माह तक हम लोग एनसीआई का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, ये जो हमने आज तय किया है मैं विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि मैंने प्रायः पिछले 20-25 सालों में देखा है कि ये हमारा काम तो है ही नहीं, ये तो हम सब लोगों के हाथ से ईश्वर कर ले रहा है, ईश्वर के आशीर्वाद से हो रहा है, क्योंकि जिस दिन एनसीआई शुरू हुआ था या जिस दिन इस संकल्पना को हम लोगों ने संकल्पित किया था उस दिन शायद एक कुर्सी खरीदने के भी पैसे हमारे पास नहीं थे, लेकिन ईश्वर ने ऐसे ऐसे लोग साथ में जोड़े, ऐसे ऐसे लोगों से मिलाया कि जिन्होंने ये सारा खड़ा किया। तो जब ईश्वर का कार्य कर रहे हैं तो ईश्वर के कार्य में कभी कमी नहीं होती है, और इसलिए मेरा विश्वास है कि फरवरी तक हम इसको पूरा करेंगे। और सुनील जी, जो आपकी चिंताएं हैं वो भी पूरे तरीके से दूर करेंगे, कोई चिंता करने का कारण नहीं है। मैं ये मानता हूं कि हमारा स्वप्न छोटा नहीं है, हमारा स्वप्न एनसीआई कंप्लीट करने के बाद वो अच्छे तरीके से संचालित हो, यहां तक हमारा सपना पूरा नहीं होता, इसको देश के सर्वोत्तम संस्था में जब तक इसका शुमार नहीं होता तब तक हम लोग शांत नहीं बैठ सकते, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठ सकते, तब तक हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं आ सकती। और इसलिए दो ही उद्देश्य है, पहला देश का सर्वोत्तम इस प्रकार की इंस्टीट्यूट बने, और दूसरा अपनी राह चलते हुए
ये इंस्टीट्यूट कभी भी गरीबों को नहीं भूले। हमने समाज के जिस वर्ग को ध्यान में रखकर इंस्टीट्यूट को तैयार किया है, और इसका मतलब ये नहीं है कि समाज के संभ्रांत वर्ग को या धनिक वर्ग को हम सेवा नहीं देना चाहते, सबको सेवा देना चाहते, ये सबकी इंस्टीट्यूट होगी। देश का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा उसको भी एनसीए आना आने की इच्छा हो, भले ही आवश्यकता न पड़े, और जो गरीब से गरीब हो उसको भी ये लगे कि मेरे घर पर अगर कोई तकलीफ है तो एक संस्था है जहां मैं जा सकता हूं, जहां मुझे नकारा नहीं जाएगा। और इस व्यवस्था को हम सब लोग मिलकर खड़ा करेंगे। ये हमारी जो यहां बैठी हुई टीम है, ये टीम अपने मन में ये संकल्प कर ले तो मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस स्वप्न को भी हम पूरा करेंगे। और इसलिए केवल इस टीम के लिए मैं ये कहता हूं कि बास की असली उड़ान अभी बाकी है, बास की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी पूरा आसमान बाकी है। इस आसमान को नापने का काम हम करेंगे। और मैं जाते जाते विशेष रूप से होलोजिक को और हमारे संजय पांडे जी और हमारे होलोजिक के जो प्रमुख लोग आए उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ खड़ी हुई है। हमारे तीसरी वेव तो ना आए, यही हमारी इच्छा है, और अभी नागपुर के फिगर्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कोई परिस्थितियां बिगड़े तो महानगर पालिका के साथ मिलकर निःशुल्क रूप से RT-PCR टेस्ट करने की एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हुई है। मैं वैसे NCI का एक और चीज के लिए बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिस समय ये सेकंड वेव खत्म हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि थर्ड वेव ये शायद बच्चों तक पहुंचे, उस समय हमारी महानगर पालिका के साथ हम लोगों ने बैठक की और NCI ने ये निर्णय लिया कि महानगर पालिका के साथ बच्चों का 200 बेडेड हॉस्पिटल हम लोग शुरू करेंगे। जो कैंपस की एक नई यूनिवर्सिटी की इमारत तैयार हुई है वहां पर हम तैयार करेंगे, और उसके लिए जो इक्विपमेंट्स है उसका संचालन भले महानगर पालिका करेगी, पर जो भी इक्विपमेंट्स है वो NCI वहां पर देगा, चाहे फिर वो PSA प्लांट हो या फिर बच्चों के लिए लगने वाली सारी जो चीजें वहां पर है। और अब वो सारी चीजें देने की शुरुआत भी हमने की है। मैं अभी महापौर जी को पूछ रहा था तो महापौर जी ने कहा है कि 2 अक्टूबर तक हम लोग उसका पूरा काम कर लेंगे। और नागपुर शहर के लिए अगर इस प्रकार की परिस्थिति आती है और थर्ड वेव आती है और या बच्चों को कहीं अफेक्ट करती है तो एक बहुत ही आधुनिक और उनको केटर कर सके इस प्रकार का 200 बेडेड हॉस्पिटल महानगर पालिका और NCI मिलकर वहां पर शुरू करेंगे। तो मैं इस पहल के लिए भी NCI को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।